नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज के हमारे वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इसमें लगाया जा रहा है। और जो है विपक्ष जो है पूरी तरह से इसको अपने चुनाव मुद्दे में भुनाने में लगी हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है सत्ता पक्ष ने जो है इसका दुरुपयोग किया, इसको जो है करप्शन की तरह इसको इस्तेमाल करके सरकारें गिराई। यानी कि जो सरकार बीजेपी ने अलग अलग स्टेट में गिराए हैं उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे फंड यूज करके जो है ये सब किया गया है। तो आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, लोगों को समझ से परे है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है, क्या इसके पहले ये सिस्टम कुछ और था। इसी पर हम जान लेंगे आज हमारे वीडियो में हमारे सहयोगी विवेक जोशी से, जो एक वरिष्ठ एडवोकेट है और राजनीति से भी ताल्लुक रखते हैं इसमें। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आपका आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी थोड़ा लंबा गैप हो गया, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि कुछ वीडियो बनाते हैं, खासकर जो अभी मुद्दा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जो पूरे देश में स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उसके ऊपर। तो क्या कहेंगे सर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, क्या इसमें राजनीतिक पार्टियां कैसे जुड़ी हुई है, किस तरह से इनको फंडिंग होता है और कौन लोग इसको जो है खरीदते हैं और इससे पार्टियों को पैसा मिलता है? सर, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसकी वजह से आज आपको डेटा मिल रहा है जी, किसने कौन से कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, कौन सी पार्टी ने कितना चंदा रिसीव किया। 2018 में जब ये स्कीम नोटिफाई हुई उसके बाद से तो ये सब चीजें आने लगी। उससे पहले कौन सी पार्टी किससे कितना चंदा ले रही थी, कितना क्या कर रही थी, कुछ ज्यादा पता नहीं था जी। तो आज तो चोर मचाए शोर वाली बात है जी जी। अब एक अच्छी चीज को बंद करवा दिया और अब आज आप कह रहे हो कि भाई सामने वाला चोर है, सामने वाला डकैत है, इन्होंने सीबीआई ईडी को लेके मतलब ये किया। अब जैसे जैसे इस चीज की परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे इनको पता लगता जाएगा। अभी तक ये क्या बोल रहे थे कि एक फ्यूचर गेमिंग करके कंपनी है जिसमें सैन डियागो जो है उसका मालिक है। अब आज पता लगा है कि उसने जो 1358 करोड़ रुपए के टोटल बॉन्ड खरीदे थे उसमें से 508 करोड़ रुपए तो डीएमके को दिए उसने। 508 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो हैं अभी न्यूज में चैनल में फ्लैश हो रहा है कि वो 508 करोड़ के बॉन्ड जो है वो डीएमके ने एनकैश करे। तो अब क्या आप ये कहोगे कि भाई डीएमके ने भी उसके वहां पे ईडी भेजी, डीएमके ने भी उसके वहां पे सीबीआई भेजी और जिसकी वजह से ये हुआ? श्याम सर, आपको मैं आज एक थोड़ा सा पुरानी पृष्ठभूमि में लेके चलता हूँ। जो ये लोग बताते हैं और जो ये छुपाते हैं वो मैं दोनों बात आज आपके सामने उजागर करता हूँ। बिल्कुल सर, 2013 में एक केस हुआ जो 4-5 लोगों ने मिलके आरटीआई की एप्लीकेशन 6-7 पॉलिटिकल पार्टियों में करी जी, कि भाई हमें बताओ तुम्हारे वहां से पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्या है। आरटीआई इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, सीआईसी के पास। सीआईसी के पास अपील होते होते ये मैटर पहुंचा। अपील होने के बाद सीआईसी ने 2015 में एक डिसीजन पास किया जिसमें उन्होंने ये लिखा, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट टाइप की हैं तो इसलिए हम इनको स्टेट मानते हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरटीआई में अगर कोई इनसे मांगता है तो जी। तो इन लोगों ने मिल के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 2015 में वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, चैलेंज करने वाला कौन? यही एडीआर वाले प्रशांत भूषण जी। अच्छा, इन्होंने ही चैलेंज किया कि भाई ये जो जो जब हमने इनसे आरटीआई में मांगा तो ये पार्टियां हमको नहीं दे रही हैं, तो सेम आर्टिकल 32 में पटीशन लगी। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी भारत सरकार है और बाकी की पार्टियों ने ऐसा एफिडेविट के तौर पे फाइल किया कि भाई पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के एम्बिट में लाया नहीं जा सकता क्योंकि हम एक तो हम स्टेट नहीं है, दूसरी चीज है हमारी जानकारियां पर्सनल है, हम दूसरे को क्यों दें जी। अब आप समझोगे कि सर उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें भाजपा भी है, उसमें टीएमसी भी है, उसमें अलाना फलाना सारी पार्टियां हैं जितनी भी हैं। तो इन पार्टियों ने वहां जाके क्या कहा कि भाई हमें आरटीआई, मतलब आप सारे ईमानदार हो तो जो आपने 2018 से पहले जो आपने पॉलिटिकल फंडिंग ली है वो क्या तौर पे ली है वो कैसे पता लगेगा? जी जी। आज तो आप कह रहे हो कि भाई चलो फ्यूचर गेमिंग ने 1358 करोड़ रुपए की फंडिंग करी, वेदांता ने 50 करोड़ की करी, आज आपने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम घसीट दिया इसमें। सीरम इंस्टीट्यूट एक ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना काल में इस देश के कई लोगों को बचाने के लिए एक वैक्सीन बनाई। अरे साहब, जो वैक्सीन बनाएगा उसी को ऑर्डर मिलेगा ना। बिल्कुल, मैं तो बनाता नहीं तो मुझे कैसे दे देगा कोई ऑर्डर?
दो कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, एक भारत बायोटेक थी कृष्णा अल्ला जी की कंपनी, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट थी पूनावाला साहब की कंपनी। इन्हीं दो कंपनियों को ऑर्डर मिला और बाहर के जो देश थे वो तो हमसे खुद वैक्सीन खरीद रहे थे, हम उनसे क्या लेते। बिल्कुल। तो आप ये वाहियात बात करते हो कि बीजेपी जो है उसने मतलब ईडी और सीबीआई को लगा के लोगों को धमकाया और फिर कर लिया। दूसरी चर्चा आज की डेट में ये मेगा इंजीनियरिंग के नाम की एक कंपनी से कर रहे हैं। अभी सब सरकारी टेंडर की प्रोसेस होती है जी, जिसमें तीन कोटेशन रहती हैं, लीगल टेक्निकल कमर्शियल, तीनों चीज फाइनल करने के बाद कमेटी बैठती है। तो किसी के घर में सीबीआई गई, किसी के घर में ईडी गई, किसी के घर में रॉ गई नहीं गई, इनकम टैक्स गया नहीं गया, ये बात बात की बात है। बट आप मुझे बताओ कि सर जो भी प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को मिले क्या वो कंपनी डिजर्व नहीं करती वैसे प्रोजेक्ट लेना? जो नहीं करती है भाई कैपेबल है तभी तो मिलती है। आप बताओ तो सही, क्यों नहीं मिलना चाहिए उसे प्रोजेक्ट? जिस कंडीशन में जो बैठेगा उसी को मिलेगा, जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगाएगा उसी कंपनी को मिलेगा। अब उस कंपनी ने अगर 250 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए, वो किसको दिए नहीं दिए वो बात की बात है, लेकिन कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर बॉन्ड का मतलब क्या रह गया फिर? सर मैं तो एक आगे पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्रीज में, ये कोई बिजनेस में नहीं है, इनके पास खर्चे बहुत हैं, तो ये खर्चे मतलब चलाएंगे कैसे? कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आनी चाहिए। अरे दो नंबर में जो फंडिंग आ रही थी, जो कैश में ये लोग पहले पैसा ले रहे थे 20,000 रुपये से नीचे तक का, कोई 1 करोड़ रुपये दे के गया तो इन्होंने 20,000 की कई पर्चियां काट दी कि भाई ये दे गया वो दे गया वो दे गया। तो उससे अच्छा तो ये है कि भाई इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है उसकी कम से कम ट्रेसेबिलिटी तो है, बैंक के थ्रू आ रहा है। अब आप मुझे बताइए साहब, ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, इनकम टैक्स है, क्योंकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिया तो ये अपना काम करना छोड़ दें, ये चोरों को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि इनको फंड कम मिल रहा है इसके लिए पकड़ो। हाँ मतलब सीधी सी बात है कि आज भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिया तो भाई ये, अब आज की डेट में अगर भारत सरकार किसी चीज को टेंडर देगी तो उन्ही कंपनियों को देगी ना जो बिड करेंगे, जो बिडी नहीं करेंगे उनको कैसे टेंडर दे देंगे? अब आपने आज एक नैरेटिव चला दिया जी मोदी चोर है। अरे भाई कैसे चोर है ये भी तो बताओगे? इससे पहले आप क्या करते थे? हिंदुस्तान का सबसे पहला स्कैम जो पब्लिश स्कैम है 1948 में, कोई भी गूगल करके देख ले, जीप स्कैम नाम के से स्कैम है। 86 लाख रुपए की इन्होंने जीप खरीदने की कोशिश करी थी। अच्छा। तो कौन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा ले रहा था यूनाइटेड किंगडम से, जो आपने फर्जी पुरानी जीपों को कलर पेंट करके हिंदुस्तान में मंगा लिया था, वो भी तो स्कैम था। अभी आपने आज देखिए कैसे ये नरेटिव जो गलत तरह के नरेटिव है जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बताएं, हिंदुस्तान में एक तोप आई बफोर्स जी, बहुत बेहतरीन वेपन था जी, बहुत बढ़िया वेपन था, उसने आपको कारगिल की वॉर जितवा दी जी। और आज बफोर्स का नाम लो तो कोई आदमी उसको तोप को हाथ ना लगाए। अरे भाई तोप तो अच्छी थी, पैसा जिसने लिया जी या नहीं लिया वो तो बात की बात है, आज आपने तोप को भी खराब बता दिया। अब आप मुझे बताइए मतलब कैसे चलेगा ये देश? अरे मेगा इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट मत दो, हेट्रो नाम की एक कंपनी के बॉन्ड उन्होंने खरीदे हेट्रो ड्रग्स के बारे में। अरे भाई ये भी तो देखो, वो कितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप अरविंदो का नाम लोगे, कितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, देखना चाहिए हिंदुस्तान में आपको जी, जी। वो क्या काम करना बंद कर दें? आज से पहले उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं करी। अब मुझे बताइए अगर बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए के फंड मिले तो 1,300 कुछ करोड़ रुपए के तो टीएमसी को भी मिले, तो टीएमसी ने बराबरी का फंड तो नहीं मिल सकता हर किसी को सर? ये तो जो एनालिसिस है ये कांग्रेस को करनी चाहिए, अपने घर में बैठ के मंथन करना चाहिए, ना कि 10-15 वकील छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट में, भाई PIL फाइल करते रहो और ऐसे तुम जजमेंट लेते रहो। आप अगर इतने ईमानदार हो तो आप बता दो कि 2014 से पहले आप कैसे फंडिंग करते थे जी। बिल्कुल, आपको बता देना चाहिए कि कहां कहां से आपको फंडिंग आई, कहां कहां से नहीं आई। आप तो खुद कहते हो कि हम बहुत ईमानदार हैं, तो बताओ जो कैश लिया वो कहां से लिया, क्यों नहीं आप बता रहे? बिल्कुल। तो ये कोई मतलब नहीं है और ये कोई इलेक्शन का मुद्दा भी नहीं है सर। बिल्कुल, अब लोगों को पता ही नहीं इलेक्ट्रल फंड होता क्या है सर। जो उससे दूसरी बात की लोगों के पैसे से क्या लेना है उसमें? मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जो बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान के वो तो वोट देने जाएंगे नहीं। जो चर्चा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड ये होता है, चाय पे चुस्की लेते हुए चर्चा करेंगे, तो वो वोट देने जाते नहीं, वो तो चले जाएंगे छुट्टी में कहीं और पिकनिक मनाने। बाकी जिन्होंने वोट देना है उन्हें कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्या होता है। तो फिर क्या क्या मुद्दा बना के रखा है? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व कर दिया, पहले आप बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे,
मंदिर भी बना दिया है, वहीं बनाया और जगह भी बता दी। बिल्कुल, उसकी वजह से यूपी का टोटल चेंज हो गया, बिहार में उन्होंने अपना हिसाब किताब सेटल कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे बाकी सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, आज मेक इन इंडिया कितना आगे जा रहा है, आज भारत जो है एक सैन्य शक्ति के तौर पे आगे खड़ा हुआ है। कोई आज हमें आंख नहीं दिखा सकता, जो हवाई जहाज आप बना नहीं सकते थे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए उन जहाजों को हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ के बने हुए वेपन्स जो थे वो पहले कोई हमारे से खरीदने की बात नहीं करता था। अरे भाई आज एक आदमी है जो बाहर बेच के आया ना, अर्मेनिया में बेच के आया, नहीं बेच के आया तो आप हमेशा यही कहते रहोगे भाई ये चोर है। कोई चोर पहले तो हालत ऐसी थी कि हमारे रेलवे इंजन जो बाहर से आते थे, आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जी जी, रेलवे इंजन बाहर से आते थे, डब्बे यहाँ बनते थे, इंजन बाहर से आते थे, आज पूरी ट्रेन की ट्रेन इतनी अच्छी ट्रेन जो है क्वालिटी में बन रही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ चार पांच लोगों की बात है जो ये बात कह रहे हैं। आज टीएमसी क्यों नहीं आई है सफाई देने के लिए, भाई 1380 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो मैंने खरीदे हुए वहां पे क्या उन्होंने सफेद पेंट कमीज वाली पुलिस जो कलकत्ता की वेस्ट बंगाल की पुलिस है उसको भेज के धमकवा के किसी से लिए थे क्या? बीआरएस को जो पैसे मिले या इनको जो पैसे मिले, डीएमके वालों को जो पैसे मिले, ये क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे कि भाई हमने फ्यूचर गेमिंग कंपनी से क्यों लिए आपने पैसे? वो तो चोर था जी, आप कह रहे भाई लॉटरी चोर था तो आपको पैसे नहीं लेने चाहिए थे, आपने क्यों लिए? आप कांग्रेस वाले क्यों नहीं बता रहे कि भाई जो 1300-1400 करोड़ रुपए तुम्हें मिले वो कहां से मिले और तुमने क्यों लिए? बिल्कुल, कौन थे वो व्यक्ति जो तुमको दे के गए? तो आपको भी बताना चाहिए। ये वाहियात और फिजूल की बात, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कांग्रेस को क्या लगता है कि हमारे को जो पैसा मिलता था पहले पॉलिटिकल फंडिंग में उसका मेजर शेयर इनको मिलता था, अब इनको मिलना बंद हो गया। भाई आप ढलता हुआ सूरज हो, आपको कौन देगा? बिल्कुल, फिर भी दे रहे हैं, जो इतने दिए उतने ही बहुत है। ऊपर से आपने राहुल गांधी जी को छोड़ रखा न्याय यात्रा करने, जो आपका काम बिगाड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए सर ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, कुछ नहीं हुई है और कोई पूछ भी नहीं रहा सिवाय चार पांच लोगों के। आपने मुद्दा बना रखा है, शगुफा छोड़ रखा है, मोदी जी के चेहरे पे एक पैसे की शिकन नहीं है, भाजपा का 1% वोट इधर से उधर नहीं होने वाला इसमें, आप देखिएगा अब की बार 400 के पार। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था इलेक्टोरल बॉन्ड, आप भी अगर आपको भी पता होगा तो आप जरूर लिखिए, क्योंकि फंडिंग जो होती है पार्टियों को, फंडिंग वही करते हैं जो कैपेबल होते हैं और जिनका जो राजनीति संबंध होते हैं, और राजनीति संबंध क्यों होते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने काम निकालने होते हैं, तो ऐसे फंडिंग होती रहती है। आज ये इतिहास है कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड था, पहले जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता था, अब तो फिलहाल हिसाब है, स्टेट बैंक के पास पूरा डेटा है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अभी डेटा को आप सार्वजनिक कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन जो सरकार में रहते हैं उनको फंडिंग ज़्यादा मिलती है और जो दूसरे विपक्ष होते हैं उनको कम मिलती है, तो कम और ज्यादा का ये हिसाब किताब है, मिलता सबको है, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी लोकसभा चुनाव है, इससे जुड़े जो भी जानकारी रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और सबसे पहले पहुंचाएंगे, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे विवेक जोशी जी हमारे मित्र हैं, और चुनाव से जुड़े हुए जो भी कानूनी प्रक्रिया रहेगा इसकी जानकारी हम इनसे लेते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।